देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गुड गर्ल। तो इस टाइम पे हो चुका है 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक चांद नहीं निकला है और निकलने का टाइम ना 9 बजे के करीब है, 9:15। तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, तभी छत पे जाऊंगी, क्योंकि जब टाइमिंग है यहाँ से मैं देख लेती कि चांद निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो अभी तक तो कोई भी अनुमान नहीं है। गई हूँ छत पे और इस टाइम पे पता है 9:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी देखिए चांद का नामो निशान नहीं है, चांद निकले नहीं है अभी तक। और हम लोग चांद का वेट कर रहे हैं, थाली मैंने ला ली है और चांद का बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आज 9:15 बज चुके हैं और चांद नहीं निकला, और दिन तो आराम से निकल आते हैं चंदा मामा, लेकिन आज बहुत वेट करना पड़ रहा है चौथ के दिन। जिस दिन जिस चीज का काम होता है ना, उसका वेट करते रहिए, वो आदमी दिखता नहीं है, देरी होती है। जैसे आज चंदा मामा है, हाँ दीदी टच नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी टच, तो ऐसा ही होने वाला है आज भी। आप इंतजार करते रहिए, आप इंतजार की घड़ी लंबी होती रहेगी और आप एक से दो मिनट पाँच मिनट करते रहेंगे। 8:30 से अब 9 बज गया, 8:30 से 9 बज गया, 9 से अब 9:15 होने वाला है। आप देखिए कब तक होता है, 9:13 पर टाइमिंग था, हमको लग रहा 9:30 तक कहीं आ सकते हैं, तो आते हैं तो उसके बाद से देखिए फिर क्या होता है, फिर प्रॉपर प्रॉपर करें। ये क्या दिखा रहे हैं, चांद निकल गया है। देखिए आप लोगों को रेड कलर का ये जो दिख रहा है ना राउंड शेप में, वही है चंदा मामा। तो चांद इस टाइम पे निकल गए हैं और मेरी पूजा की थाली जो है ना, पूजा की थाली भी बिल्कुल रेडी है मेरी। तो आप लोगों को एक बार फाइनली मैं दिखा दे रही हूँ अपनी पूजा थाली। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से पूरा मैंने सब कुछ इसमें मैं लेके आई हूँ, पान का पत्ता जो होता है वो, और कसैली ना एक्चुअली नहीं मिल पाया तो यहाँ पे मैंने सिक्का रखा है उसके बदले में, उसके बिना भी काम चल सकता है। तो चलिए यहाँ पे अच्छत वगैरह, और मैं जा रही हूँ अब इस टाइम पे चांद की पूजा करने के लिए। हस्बैंड यहाँ पे हैं और ये अर्घ दिला देंगे। तो इस तरीके से हमारे घर में पूजा होती है, ससुराल में जिस रीति रिवाज से होती है उसी रीति रिवाज को मैं फॉलो कर रही हूँ और पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से पता है हम लोग चंदा मामा का वेट कर रहे थे कि चांद अब निकलेगा चांद, फाइनली आ गया चांद। पीला सिंदूरी लगाते हैं, तो सिंदूर मैंने लगा लिया है, लेकिन इस समय चंद्रमा की पूजा होगी तो मैं नाक पे से सिंदूर लगा लूंगी इस टाइम पे। पूरा ये करवा चौथ से हटकर है, तो करवा चौथ में क्या होता है कि बहुत सारा होता है, छलनी में देखना होता है और हस्बैंड उसको पानी पिलाते हैं, मतलब वो मॉडर्न तरीके का हो गया और ये थोड़ा सा ओल्ड एज का होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी हस्बैंड के लिए परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन थोड़ा वो मॉडर्न है, जैसा कि ये बोल रहे हैं ना तो सच बोल रहे हैं कि थोड़ा मॉडर्न है और ये थोड़ा पुराना रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। चांद आपको दिख रहा है और चांद बहुत देर तक रहने वाला, क्योंकि ये जो करवा चौथ आया शायद हमको लग रहा है कि डीडीएल जो आया था हस्बैंड में उसको ज्यादा फेमस हुआ, उसे आप देखिएगा ये जो चौथ हो रहा है तो बहुत पहले में जो राजकुमार का मूवी हुआ करता था उस जमाने में, 1965 में उस जमाने की है जो चांद दिखाया जाता था। आप लोगों में से किसी ने वैसी मूवी देखी राजकुमार वाली? आजकल तो कोई देखता भी नहीं होगा राजकुमार वाली मूवी, बहुत कम लोग देखते होंगे। तो कुछ में दिखाया जाता था कि औरत व्रत कर रही है, उसका हस्बैंड कहीं चला गया है, नहीं है लड़की से, उस दिन व्रत कर रही है, उस दिन वो दिख गया, आ गया, जेल से आ गया, कहीं मतलब गुम हुआ तो वहां से आ गया, ऐसे से पहले कहानियां बनती थी। बातें करेंगे, ठीक है पहले पूजा कर लेते हैं। दीदी आपको देना है
आजकल के मॉडर्न बीवियां जो होती हैं सोचती हैं पैर भी छूते हैं तो फोटो चाहे वीडियो बन जाए, क्योंकि ऐसा कभी देखिए देखिए, लेकिन मैंने वीडियो तो बनवाया ही नहीं क्योंकि पैर जो था ना नीचे था तो वीडियो तो आया नहीं। चलिए अगर आप लोग भी अगर करवा चौथ की जैसा जो चौथ होता है मना रहे हो तो आप भी कमेंट में शेयर कीजिए आपने कैसे मनाया और आपके यहाँ चांद कब निकला है। क्योंकि करवा चौथ में अक्सर 7:30 से 8 बजे तो निकल जाती है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 9:30, 9:30 के आसपास हो गया। सो दोस्तों फाइनली चौथ पूजा हो चुकी है और बहुत अच्छे से हुई। बहुत लेट हो गया है वैसे इस टाइम पे, 9:45 के करीब हो गया है ना, 9:45 के करीब हम लोग 9:15 में छत पे आए थे, तो बस काफी देर वेट किए तब चांद आया। लेकिन इसमें क्या है कि आज चांद मामा भागने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए आराम से पूजा हम लोग कर रहे हैं। इसलिए करवा चौथ में आया और 5-10 मिनट में चेहरा दिखाया निकल गया, वो भी फटाफट हमारा कर लिए तो हो गया, नहीं तो उसमें भी आपको फिर दोबारा कब आते पता नहीं। हाँ तो चलिए अब इसके बाद भी अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है, इसके बाद मैं फलाहार करूंगी थोड़ा जो भी चीज़ होगा। चलिए मैं आप लोगों से वो सारी चीज़ें भी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। सो नीचे चलते हैं दोस्तों। भगवान जी की जय, गणेश भगवान की एक दंत की वाह, गुड बॉय। चलो ये बाबू के लिए प्रसाद चाहिए, बाबू क्या चाहिए, लड्डू चाहिए। टाइम पे अब मैं जा रही हूँ फलाहार करने के लिए, तो इस टाइम पे ना नमक वाला खाना नहीं होता है, लेकिन जो मीठा होता है कुछ भी फ्रूट्स वगैरह जो आते हैं वो सब हम खा सकते हैं। तो इस टाइम पे अब मैं जा रही हूँ फलाहार करने और राइट इस टाइम पे ना 10 बज चुके हैं। बेंगलोर में चांद पता है बहुत लेट हुआ निकलने में, 9:13 का टाइम था, 9:13 का, लेकिन करते करते आगे बढ़ते बढ़ते 9:30 के बाद ही निकला है चांद, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने चौथ पूजा कैसी की, कैसी रही आप सबकी चौथ पूजा। सो गाइस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।